देखिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे जिक्स और सर टॉपिक से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें यह पूछा गया है कि इस टाइप के थ्रेड का उपयोग थ्रेडिंग के दौरान कैरेज को स्वचालित रूप से चलाने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कि लीड स्क्रू, हैंड व्हील, बेड फीड रॉड। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है कि लीड स्क्रू, हैंड व्हील, बेड और फीड रॉड में से वो कौन सी युक्ति है जिसकी सहायता से आप थ्रेडिंग के दौरान कैरेज को चलाने का काम करते हो। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन जो है वो कि लीड स्क्रू है। जो लीड स्क्रू होता है हमारा, वो थ्रेड कटिंग के दौरान कैरेज को स्वचालित रूप से चलाने का काम करता है। लीड स्क्रू क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। लीड स्क्रू हमारी निकिल स्टील की बनी हुई एक लंबी शाफ्ट होती है, जिस पर एक्मे थ्रेड बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लीड स्क्रू के ऊपर एक्मे थ्रेड बने होते हैं और इसे एपरेंट के बीच से गुजारा जाता है। इसका उपयोग अलग अलग पिच की चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है। कई बार लीड स्क्रू में ही एक कीवे बना होता है जो कि फीड रॉड का काम करता है। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि लीड स्क्रू का उपयोग थ्रेडिंग के दौरान कैरेज को स्वचालित रूप से चलाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल एंड वेज एंगल। ठीक है, तो जो हमारा क्लियरेंस एंगल होता है, वेज एंगल होता है और रैक एंगल होता है, इनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल, वेज एंगल, इसका योग जो होगा हमेशा वो 90 डिग्री होगा। ये आपको कटिंग टूल में पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है ऑलरेडी। तो इनका जो आपका योग होगा वो 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए है, वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस इन मिलिंग एंड ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। यानी मिलिंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशन के दौरान वर्कपीस को होल्ड करने वाली युक्ति को कहते हैं, उपकरण को कहते हैं। और आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, होल्डर, जिग, टेम्पलेट और फिक्सचर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है, मिलिंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशन में कार्य को पकड़ने के लिए उपयोग होने वाले उपकरण को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं होल्डर, जिग, टेम्पलेट और फिक्सर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है फिक्सर। यानी मिलिंग और ग्राइंडिंग मशीन पर वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम फिक्सर का उपयोग किया जाता है। फिक्सर जो है मिलिंग, टर्निंग, ब्रोचिंग, ग्राइंडिंग मशीन पर वर्कपीस को पकड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हमारा हो गया फिक्सर। अगला सवाल देखिएगा हमारा क्या है। अगला सवाल ये है कि जिग बुश का क्या होते हैं, जिग बुश के बारे में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो जिग बुश जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको सुनिएगा। द पार्ट ऑफ ए ड्रिल जिग थ्रू विच कटिंग टूल आर ऑपरेटेड एंड लोकेटेड। यानी जो हमारे जिग बुश होते हैं तो क्या होते हैं, ये ड्रिल जिग के पार्ट होते हैं जिनसे कटिंग टूल क्या किया जाता है, ऑपरेट और लोकेट किया जाता है। यानी हिंदी में अगर हम इसको कहें तो ड्रिल के वो कुछ पुर्जे जहां से जिग जो है जिग के वो कुछ पुर्जे जहां से ड्रिल को काटने या वो काटने के लिए संचालित किया जाता है, यानी गाइड किया जाता है, पहला। दूसरा है, लोकेटिंग डिवाइसेस यूज्ड इन जिग्स अलोंग द फिक्सचर। यानी जिग के साथ साथ फिक्सचर में लोकेशन के लिए उपयोग होने वाले डिवाइस। तीसरा क्या है, ऑपरेटिंग बुशेस इन जिग्स, यानी जिग में एक ऑपरेटिंग बुश। और चौथा है, जिग और फिक्सचर व्यवस्था के भागों को लोकेट करने और क्लैंप करने के लिए। तो देखिए, जो हमारे जिग बुश होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो ये पार्ट होते हैं ड्रिल जिग के जिससे आप कटिंग टूल को ऑपरेट करते हैं और लोकेट करते हैं। अगला है हमारा ड्रिलिंग जिग।
ड्रिलिंग जिग का उपयोग, ड्रिलिंग जिग का उपयोग वर्कपीस, ड्रिलिंग जिग का उपयोग हमारा जो है, इसके बारे में अगर हम सुने कि होता क्या है, ये वर्कपीस में होल करने के लिए होता है। इसमें ड्रिल या रीमर आदि टूल्स को लोकेट तथा गाइड करने के लिए कठोरीकृत जिग बुश का उपयोग प्रयोग होता है। इन बुशों में से ही ड्रिल को गुजार कर वर्कपीस पर ड्रिलिंग क्रियाएं की जाती हैं। इस प्रकार ठीक स्थिति में जो हमारा होल हमें अचीव होगा वो काफी एक्यूरेट होगा। जो भी हमारा होल बनेगा वो काफी एक्यूरेट होल बनने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लैथ मैंड्रिल को कहा जा सकता है, जो लेथ में या खराद मशीन में मैंड्रिल यूज किया जाता है उसको नाम दिया जा सकता है। क्या नाम होता है इसको देखिएगा, इसका हो जाएगा कि लेथ मैंड्रिल जो हमारा है उसको हम ऑप्शन हमारे जो जो है टेम्पलेट, जिग्स, फिक्सर और गेज। देखिए जो हमारा लेथ मैंड्रिल है वो बेसिकली किसी वर्कपीस को पकड़ने और घुमाने की युक्ति है। ठीक है, मैंड्रिल जो हमारा लेथ पे लगता है वो वर्कपीस को पकड़ता है और उसको रोटेट करता है। तो अगर हम बात करें गेज की तो ये कोई मेजरमेंट तो करता नहीं इसलिए कोई गेज नहीं होगा, या टूल को भी गाइड नहीं करता इसलिए जिग नहीं होगा, ये फिक्सर हो सकता है। फिक्सर काम क्या होता है कि टूल को होल्ड करना। तो अगर इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देखें या अगर ये कहें तो जो हमारे लेथ के मैंड्रिल ऐसे वर्कपीस को पकड़ने तथा घुमाने की युक्ति है जिन पर पहले से ही मशीनिंग होल या बोर किए गए हों। ठीक है, मैंड्रिल पर वर्कपीस को चढ़ाने के लिए हल्का बल लगाया जाता है या फिर मैंड्रिल पेस से चढ़ाया जाता है। मैंड्रिल सामान्यतः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं जिससे इनकी वियर तथा डिस्टॉर्शन कम से कम हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग डिवाइस इन ए लेथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेथ मशीन में निम्न में से कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमारा है Which of the following is not a work holding device in a lathe? यानी इनमें से कौन सा डिवाइस लेथ का वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है देखिए, मैंड्रल, फॉलोअर रेस्ट, फेस प्लेट, टूल पोस्ट। तो अगर हम देखें इसमें से तो मैंड्रल आपके वर्कपीस को होल्ड करने का काम में आता है, फेस प्लेट भी आता है और फॉलोवर रेस्ट भी आता है। ठीक है, और जो आपका टूल पोस्ट है वो बेसिकली टूल को होल्ड करने के काम में आता है। तो जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेथ में वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन सा नहीं, तो जो लेथ होल्डिंग डिवाइस की बात हो रही है वो ये है कि इसमें से टूल पोस्ट जो है वो हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं। ठीक है, मैंड्रिल, फॉलोअर रेस्ट तथा प्लेस प्लेट का प्रयोग लेथ मशीन पर वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है तथा टूल पोस्ट का प्रयोग टूल को पकड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, स्टेप ओवर ऑन ए लेथ डिपेंड्स अपॉन, यानी लेथ पर जो स्थापना है स्टेप ओवर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो स्टेप ओवर है, सेट ओवर, सॉरी स्टेप ओवर नहीं, सेट ओवर जो है हमारा लेथ पे डिपेंड करता है। पहला है डायमीटर ऑफ द वर्कपीस, यानी वर्कपीस के व्यास पर, टेपर की मात्रा पर, वर्कपीस की लंबाई पर, रैक एंगल पर। तो देखिए इसमें से डायमीटर ऑफ वर्कपीस, अमाउंट ऑफ टेपर और लेंथ ऑफ द वर्कपीस, ये तीनों जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं वर्कपीस से जुड़े हुए हैं, जबकि जो लास्ट पार्ट है रैक एंगल वो कहीं से जुड़ा होता है। तो ये पार्ट तो अपने आप हट जाता है। अब आता है तीन ऑप्शन,
पहला ऑप्शन वर्कपीस का व्यास, टेपर की मात्रा और कारखंड की लंबाई। तो इसमें हम जानते हैं कि टेपर की मात्रा पर ही लेथ का सेट ओवर निर्भर करता है। लेथ एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा मशीन टूल है जिसकी सहायता से वर्कपीस पर टर्निंग प्रोसेस किया जाता है, अतः इसे टर्निंग मशीन भी कहते हैं। लेथ मशीन पर छोटे छोटे वर्कपीस से लेके बड़े बड़े मशीनों के रोटर, प्रोपेलर शाफ्ट, टर्बाइन आदि की शाफ्ट भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अमाउंट ऑफ टेपर है वही सेट ओवर को, हमारा सेट ओवर है वो अमाउंट ऑफ टेपर पे डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टू मेक द कटिंग लोड विदाउट एनी डिफॉर्मेशन वर्कपीस मस्ट बी माउंटेड टू, यानी क्वेश्चन क्या है कि कर्तन भार को बिना किसी विरूपण के बिना किसी डिफॉर्मेशन के अगर हो, कटिंग लोड हो, तो जो हमारा वर्कपीस को माउंट किया जाना चाहिए, हमारे ऑप्शंस हैं देखिए, वर्क बेंच, चक, जिग और फिक्सचर और क्लैंप। तो इसमें कहा जा रहा कि कटिंग फोर्स जो लगे बिना किसी विरूपण के, जो हमारा वर्कपीस उस पर कोई भी कटिंग फोर्स ना लगे, इसके लिए हमें वर्कपीस को क्या हम जिग और फिक्सर में माउंट करना चाहिए ताकि उस पर लगने वाला फोर्स, टोटल फोर्स हो वो जीरो हो जाए। इसमें से